नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 जून, दिन गुरुवार। खबरों के बनने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गर्मी कम होते ही स्कूल की नई समय सारणी हुई जारी। इस शिक्षा कोर्स पर आ रही परेशानियों से निपटने का बीपी ने दिया आदेश। जाने किस दिन से बीटीआर का पर्यटन सत्र होगा बंद। बिहार के बेगूसराय में इस दिन रोजगार मेला का हो रहा आयोजन। अपनी शादी के बाद सोनाक्षी सिन्हा ने ये इंस्टाग्राम पोस्ट किया शेयर। आज भारतीय टीम का इंग्लैंड से होगा सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SSC CGL ने 17,000 से भी अधिक पदों पर निकाली भर्ती। SSC CGL के 17,727 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 जुलाई है। इस भर्ती के तहत असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर जैसे 34 पदों पर 17,727 रिक्तियों की भर्ती होगी। इस भर्ती के तहत अलग अलग पदों पर अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को ssc.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। प्रारंभिक स्कूलों से जुड़े 17,000 आंगनबाड़ी केंद्र। 17,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को बिहार में सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों से जोड़ा गया है, क्योंकि विद्यालयों में पूर्व प्रारंभिक शिक्षा को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू किया जाना है। इस वजह से आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रारंभिक विद्यालयों से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित किया गया है, ताकि विद्यालयों के परिसर में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त किया जा सके। आपको बता दें कि प्रदेश में 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इसमें से 17,000 आंगनबाड़ी केंद्र प्रारंभिक स्कूलों से जोड़े गए हैं। वहीं 40,000 आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र चलाने के लिए कम से कम 2 कमरे और शौचालय होने चाहिए। इसमें से 1 कमरा बच्चों के लिए होगा और दूसरा कमरा किचन होगा, लेकिन ज्यादातर प्रारंभिक विद्यालयों के पास भी इतनी जगह नहीं है। हालांकि इस मामले में एक कमेटी बनी है और शिक्षा विभाग व समाज कल्याण विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहा है। बिहार सरकार की इस योजना के तहत आम लोगों का हेल्थ कार्ड होगा डिजिटल। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना चलाई जा रही है, ताकि आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा आसान और सहज तरीके से मुहैया करवाई जा सके। राज्य सरकार बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा और जांच आदि को इस योजना के तहत डिजिटल करने की तैयारी कर रही है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था और आम जनों का हेल्थ रिकॉर्ड इस योजना के जरिए डिजिटली उपलब्ध हो सकेगा। इस योजना को 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है। इस वित्तीय वर्ष इसके सफल संचालन के लिए 17.55 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। गर्मी कम होते ही स्कूल की नई समय सारणी हुई जारी। बिहार में मॉनसून के प्रवेश के बाद गर्मी का प्रभाव पहले से कम हो गया है। गर्मी कम होते ही स्कूलों की नई समय सारणी शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई है। नई समय सारिणी के मुताबिक हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक स्कूलों का संचालन होगा। वहीं बच्चों को 3 बजे तक छुट्टी दी जाएगी और शिक्षक स्कूल के बंद होने के बाद ही यानी 4:30 बजे स्कूल से जाएंगे। स्कूल में हर दिन 8 घंटे पढ़ाई होगी। इसके अलावा मिशन दक्ष के लिए भी विशेष कक्षाओं का संचालन होगा। साथ ही शिक्षकों को हर सप्ताह 45 घंटे की ड्यूटी करना जरूरी होगा। जाने किस दिन से VTR का पर्यटन सत्र होगा बंद। 29 जून से VTR का पर्यटन सत्र बंद कर दिया जाएगा। सत्र बंद होते ही कई गतिविधियों पर रोक लग जाएगी, जिसमें जंगल सफारी, गंडक सफारी और अन्य गतिविधि शामिल है। आपको बता दें कि मॉनसून के शुरू होते ही बाघ समेत कई जंगली जानवरों के प्रजनन का समय शुरू हो जाता है। साथ ही मॉनसून के दौरान अधिक फिसलन होने के कारण भी इसे बंद कर दिया जाता है। इस बार अधिकारियों ने इसे 29 जून से बंद करने का फैसला लिया है। ई शिक्षा कोर्स पर आ रही परेशानियों से निपटने का बीईपी ने दिया आदेश। शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी शिक्षकों को 25 जून से मोबाइल पर अपनी हाजिरी लगाने का आदेश दिया था, लेकिन ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप पर पहले दिन केवल 16% शिक्षक ही अपनी हाजिरी दर्ज कर पाए।
अन्य शिक्षकों को इस ऑनलाइन हाजिरी के दौरान कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसमें किसी को पासवर्ड से संबंधित परेशानी हुई तो किसी के स्कूल की लोकेशन ही गलत दिख रही थी। इन परेशानियों को देखते हुए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद यानी BEP ने जल्द ही इससे निपटने का आदेश जारी किया है। संबंधित एजेंसी को मिले निर्देश के मुताबिक इन सभी परेशानियों को 28 जून तक दूर करने की बात कही गई है। राशन कार्ड धारकों के KYC की आखिरी तारीख है नजदीक। देश में गरीब वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा कई योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इन्हीं में से एक है मुफ्त राशन का लाभ। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाते हैं तो आपको अपने राशन कार्ड का KYC करवाना बेहद ही जरूरी है। इसके लिए आपको अपने राशन की दुकान पर जाकर डीलर से मिलना होगा। राशन कार्ड में परिवार के जितने भी सदस्यों का नाम है सभी को KYC करवाना जरूरी है। वहीं परिवार के वैसे सदस्य जिनका निधन हो चुका है या जिनकी शादी हो चुकी है और अब वे उस परिवार का हिस्सा नहीं है तो उनका नाम राशन कार्ड से हटवाने के लिए उपभोक्ताओं को पाबंद किया जाएगा। KYC करवाने की आखिरी तारीख 30 जून 2024 है। यदि आपके फोन पर KYC के लिए कोई लिंक आता है या कोई मैसेज और कॉल करता है तो इस पर विश्वास ना करें। इस काम के लिए केवल अपने राशन डीलर से ही संपर्क करें। बिहार सरकार की इस योजना के तहत निःशुल्क कर सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। प्राक परीक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत राज्य के सभी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों को सिविल सेवा परीक्षा SSC और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी एकदम निःशुल्क करवाई जा रही है। प्रदेश के सभी 36 जिलों में कुल 38 केंद्र भी इसके लिए स्थापित किए गए हैं। यदि आप भी अपने जिले में निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/region/home.html पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 6 महीने के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग से होना जरूरी है। साथ ही वह बिहार के निवासी होने चाहिए और उनके अभिभावक की अधिकतम आय 3 लाख रुपए से कम ही होनी चाहिए। इस प्रशिक्षण के लिए चयनित उम्मीदवारों को 75% उपस्थिति के आधार पर 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, डिजिटल अध्ययन केंद्र आदि की सुविधा भी दी जाएगी। नीट पेपर लीक मामले में CBI को 2 आरोपियों की मिली रिमांड। CBI को नीट पेपर लीक मामले में 2 आरोपियों की रिमांड मिली है। CBI को आरोपी चिंटू और मुकेश की रिमांड 3 दिनों के लिए दी गई है। ये रिमांड CBI को अदालत द्वारा दी गई जब CBI के वकील ने अपना पक्ष कोर्ट को सुनाया। आपको बता दें कि CBI द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है उसमें 8 लोगों को नामजद और 1 अन्य को आरोपी बनाया गया है। नामजद किए जाने वाले लोगों में अमित आनंद, आयुष राज, नीतीश कुमार, रॉकी, अखिलेश, सिकंदर, यादवेंदु, बिट्टू, संजीव और 1 अन्य का नाम शामिल है। देश के वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट में छूट देने की बन रही योजना। देश के वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट में छूट देने की बन रही योजना। एक बार फिर से भारतीय रेलवे देश के वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट में छूट देने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि कोरोना से पहले टिकट बुकिंग के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे छूट देता था। हालांकि कोरोना के बाद इस सुविधा को हटा दिया गया, लेकिन उम्मीद है कि एक बार फिर से इस संबंध में जुलाई 2024 के आखिरी सप्ताह में संसद में पेश होने वाला पूर्ण बजट पेश हो। देश के नागरिक भी वरिष्ठ नागरिकों के टिकट में छूट देने की मांग करते नजर आ रहे हैं। क्या वरिष्ठ नागरिकों को फिर से रेलवे द्वारा टिकट बुकिंग में छूट मिलनी चाहिए? हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बिहार के बेगूसराय में इस दिन रोजगार मेला का हो रहा आयोजन। बिहार के बेगूसराय में 2 जुलाई को रोजगार मेला का आयोजन होने वाला है। इस जॉब कैंप में टेक्नो ग्राउंड प्राइवेट लिमिटेड 50 लोगों को नौकरी उपलब्ध करवाएगी। इस रोजगार मेले में भाग लेने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने मैट्रिक और इंटर पास कर लिया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। जॉब कैंप का आयोजन बेगूसराय में पनहांस चौक के नजदीक ITI कैंपस के संयुक्त श्रम भवन स्थित जिला नियोजनालय में सुबह 10:30 बजे से शाम के 4 बजे तक होगा। इस जॉब कैंप में भाग लेने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों द्वारा www.ncs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया जाए। अपनी शादी के बाद सोनाक्षी सिन्हा ने ये इंस्टाग्राम पोस्ट किया शेयर।
एक तरफ सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर कुछ फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इन्हें काफी ट्रॉल भी कर रहे हैं। हालांकि सोनाक्षी और उनके लाइफ टाइम पार्टनर जहीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उन्होंने ट्रॉलर्स को तगड़ा जवाब भी दिया है। अब इसी बीच सोनाक्षी ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी को रीशेयर किया है। इस पोस्ट में सोनाक्षी और जहीर का कैरिकेचर बना हुआ है, इसमें दोनों काफी क्यूट नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि प्रेम यूनिवर्सल रीजन इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि प्रेम यूनिवर्सल रिलीजन है। सबौर कृषि विश्वविद्यालय अब चार राज्यों के स्टार्टअप को तराज, छोटे बड़े उद्योग का देगा रूप। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर उद्यम उपक्रम के लिए अब चार राज्यों में स्टार्टअप को तराज कर उन्हें छोटे बड़े उद्योग का रूप देगा। इन चार राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। आपको बता दें कि BAU में कार्य कर रहे सब एग्री को पूर्वी जोन का एग्रीकल्चर इंक्यूबेशन सेंटर बनाने की केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। मालूम हो कि छात्र छात्राओं को इस स्टार्टअप में सोच उभरी है। इनके स्टार्टअप को इंक्यूबेट कर 4 लाख का उन्हें शुरुआती अनुदान भी दिया जाएगा। ये इंक्यूबेशन सेंटर रोटी, कपड़ा, मकान और ऊर्जा, पशु चारा के विजन पर काम कर रहा है। BSSA ने खिलाड़ियों के लिए जारी किया खेल कैलेंडर। बिहार में होने वाली खेल प्रतियोगिता और खेल संबंधी अन्य कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी के लिए वार्षिक कैलेंडर 2024 जारी हुए हैं। इसे बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है। इस कैलेंडर के जरिए खिलाड़ियों को वार्षिक खेल एक्टिविटी के बारे में जानकारी मिलेगी। बिहार में पहली बार आयोजित होने जा रही वॉलीबॉल स्टेट लीग के लिए 29 जून को खिलाड़ियों का सिलेक्शन ट्रायल भी होगा। इसके अलावा इस कैलेंडर में आयोजित होने वाली अन्य गतिविधियों की तिथि को भी लिस्टेड किया गया है। व्हाट्सएप पर फालतू ग्रुप्स में ऐड होकर हो गए हैं परेशान, तो सेटिंग्स में करेंगे बदलाव। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर दिया होगा जिस व्हाट्सएप ग्रुप का आप हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। यदि आप भी ऐसे फालतू ग्रुप में ऐड होने से बचना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको सेटिंग्स में बदलाव के कुछ तरीके बताएंगे। इसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाना होगा। यहाँ प्राइवेसी के ऑप्शन पर आकर फिर ग्रुप के विकल्प पर क्लिक करें, जिसके बाद आपको एवरीवन, माय कॉन्टैक्ट्स और माय कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ एवरीवन का यदि ऑप्शन सिलेक्ट है तो उसे चेंज करके माय कॉन्टैक्ट कर दें। यदि आप इसमें कुछ ही लोगों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो थर्ड वाले ऑप्शन पर यानी माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट पर क्लिक करें। इसमें आप जिन लोगों को चुनेंगे केवल वही आपको किसी ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। जानिए दक्षिण बिहार में कब से मानसून के सक्रिय होने की है संभावना। बिहार में मानसून का प्रवेश हो चुका है, हालांकि दक्षिण बिहार में इसका असर अभी भी धीमा है। उम्मीद है कि 28 जून से दक्षिण बिहार में भी मानसून सक्रिय हो जाए। आज भी प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज प्रदेश में अधिकतम तापमान उत्तर बिहार में अधिकतर जगहों पर 30 से 34 डिग्री और दक्षिण बिहार में अधिकतर जगहों पर 36 से 38 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। कार के तहखाने से शराब तस्करी का मामला आया सामने। एक बार फिर से बिहार में शराब तस्करी का मामला सामने आया है। दरअसल ये मामला नवादा जिले के कवाकोल थाने का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान शराब तस्कर एक बार एक कार से भारी मात्रा में शराब ले जा रहे थे, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। ये शराब कार में बनाए गए तहखाने में छिपाई गई थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 141 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया है। इस मामले में तस्करों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। पुलिस इनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। बैटरी चलित ट्राई साइकिल का लाभ लेने के लिए दिव्यांगजन इस योजना का उठाएं लाभ। बिहार सरकार अपने सूबे में जरूरतमंद लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना। इस योजना के बारे में IPRD बिहार ने भी जानकारी शेयर की है। आपको बता दें कि बिहार सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के माध्यम से दिव्यांग समुदाय को व्यापक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://online.bih.nic.in/swf/swftc/register.aspx पर जाकर विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से जब आप आवेदन करेंगे तो आपको बैटरी चलित ट्राई साइकिल का लाभ दिया जाएगा, ताकि दिव्यांगजन बैटरी चलित ट्राई साइकिल की मदद से आसानी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके।
औरंगाबाद के नवी नगर में नए बिजली घर के निर्माण को मिली मंजूरी। बिहार केंद्र सरकार ने औरंगाबाद के नवी नगर में नए बिजली घर के निर्माण की अनुमति दे दी है। अब यहां स्टेज दो में 800 मेगावाट की 3 इकाई तैयार की जाएगी। नवी नगर में बिजली घर को बनाने के लिए टेंडर भी जारी किया जा चुका है। इस साल से इसके निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे और आने वाले 5 सालों में इस नई यूनिट से बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नए बिजली घर निर्माण पर करीब 20,000 करोड़ से भी अधिक खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि 660 मेगावाट की 3 इकाइयां नवी नगर में स्टेज ए के तहत कार्यरत है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा। रोहतास जिले के डेहरी में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए जीत दर्ज करेगा और भारी बहुमत से बिहार में सरकार बनाएगा। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है, उसी तरह 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने तैयारी तेज कर दी है और दिल्ली की तरह पटना में भी सरकार बनाने के लिए एनडीए के सभी नेता कार्यकर्ता पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार होगी। कि आप उपेंद्र कुशवाहा के बयान से सहमत हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर सीएम नीतीश ने ओम बिरला को दी बधाई। बीजेपी सांसद ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि ओम बिरला के कुशल नेतृत्व में लोकसभा की कार्यवाही का संचालन अच्छे ढंग से होगा। आपको बता दें कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला का चयन ध्वनि मत से हुआ है। स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला को पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आसन तक ले गए और उन्हें बधाई दी। आज भारतीय टीम का इंग्लैंड से होगा सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला। आज यानी 27 जून को T20 वर्ल्ड कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच देखने को मिलेगा। ये मुकाबला दोनों टीमों के बीच गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में होने वाला है। भारतीय समय के मुताबिक रात के 8 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। आपको बता दें कि पिछले T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत इंग्लैंड से 10 विकेट से हार गया था, तो इस बार भारतीय टीम अपना हिसाब बराबर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। अभी तक सभी मैचों को भारतीय टीम जीतती आई है। इस बार भी देखना है कि इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा रहता है। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1838 में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1839 में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह का निधन हुआ था। आज के दिन 1964 में 3 मूर्ति भवन को नेहरू संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया गया था। आज के दिन वर्ष 1967 में भारत में निर्मित पहले यात्री विमान HS-748 को इंडियन एयरलाइंस को सौंपा गया था। आज के दिन वर्ष 2005 में ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की वीटो रहित अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। आज के दिन वर्ष 2008 में 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व थल सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ का निधन हुआ था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे पीएम कुसुम योजना के तहत इस पंजीकरण शुल्क लेटर के बारे में। पीआईबी फैक्ट चेक ने वायरल हो रहे खबर को साझा किया है, जहां बताया गया कि कुछ लोगों को पीएम कुसुम योजना के तहत पंजीकरण शुल्क के रूप में 8,000 रुपए की मांग वाले अप्रूवल लेटर प्राप्त हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह का लेटर पूरी तरह से फर्जी है। यदि आप तक भी इस तरह का लेटर पहुंचा है तो उस पर विश्वास करने से बचें। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस तरह के खबर को फर्जी बताया है। भारत में कितने होते हैं संसदीय सत्र और कौन बुलाता है विशेष सत्र? अभी हाल में ही देश में लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ है। इस चुनाव के जरिए हमने अपने प्रतिनिधि को चुनकर संसद भवन भेजा है, जिसे हम सांसद कहते हैं। क्या आपको पता है कि भारत में कितने संसदीय सत्र होते हैं और किससे विशेष सत्र बुलाने का अधिकार होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि संसद के 3 नियमित सत्र होते हैं। इसमें पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मॉनसून और तीसरा होता है शीतकालीन। वहीं विशेष परिस्थितियों में विशेष सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं।
ये विशेष सत्र कभी भी किसी भी परिस्थिति में बुलाए जा सकते हैं। बजट सत्र फरवरी के अंत में या मार्च में शुरू होता है और मई तक चलता है। इस दौरान आर्थिक सर्वेक्षण और संघ बजट प्रस्तुत होते हैं। वहीं मॉनसून सत्र जुलाई के अंत में या अगस्त में शुरू होता है और सितंबर में समाप्त होता है। इस सत्र में सरकार द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर चर्चा होती है, फिर मतदान होता है। उसके बाद शीतकालीन सत्र नवम्बर के अंत में या दिसंबर के शुरुआती दिनों में शुरू होता है और इसकी समाप्ति दिसंबर के अंत में होती है। इस दौरान भी सरकार द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर चर्चा और मतदान होते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? ऑप्शन है कोल विद्रोह, ऑप्शन बी है भूमिज विद्रोह, ऑप्शन सी है संथाल विद्रोह, ऑप्शन डी है मुंडा विद्रोह। इसका सही उत्तर है मुंडा विद्रोह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में स्थापना के बाद स्वतंत्रता के कुल कितने अधिवेशन बिहार में हुए थे? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। इसका सही उत्तर है 3। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 21 जून, ऑप्शन बी है 23 जून, ऑप्शन सी है 22 जून, ऑप्शन डी है 24 जून। इसका सही उत्तर है 23 जून। हाल ही में कहां के वैज्ञानिकों ने अवरक्त लाइट को दृश्यमान बनाने के लिए उपकरण विकसित किया है? ऑप्शन ए है आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन बी है आईआईसी बेंगलोर, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी है आईआईएम अहमदाबाद। इसका सही उत्तर है आईआईएससी बेंगलोर। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए नई नीति लाएगी? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है राकेश मिश्रा, परशुराम सिंह, राजीव कुमार, अमित कुमार, मोहम्मद असगर कमाल, शिवचंद्र मंडल, रवि कुमार गुप्ता, नुन्नू गोलू कुमार, सादुल्ला पालवी, मोहम्मद साकिर हुसैन, अतीक खान, शोभानंद ठाकुर, रोशन कुमार, संजय कुमार शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज T20 के सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले मुकाबले में किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।